राजेश कुमार सिंह है, मैं लखनऊ जानकीपुरम में रहता हूँ। और 12th की इवनिंग मेरी मदर को ब्रेन स्ट्रोक आया, जो कि मुझे पता नहीं था कि वो ब्रेन स्ट्रोक है या मतलब क्या हुआ है। टोटली वो इनकॉन्शियस थी, ना बैठ पाए थी, ना बोल पा रही थी, ना हाथ पैरों के काम कर रहे थे। हम लोग काफ़ी घबरा गए। फिर यहाँ डॉक्टर रितु तिवारी का किट हम लोग ने फ़ोन किया और वेदांता हम लोग ने आए। यहाँ पे आने के बाद स्टाफ ने तुरंत उनको एडमिट कर लिया। प्रोसेस यहाँ पे एडमिशन का बहुत अच्छा है और काफ़ी यहाँ का स्टाफ का जो नेचर था वो हेल्पफुल लगा मुझे उस दिन। और जो घबराहट थी वो घबराहट इन लोगों ने काफ़ी कम किया। उन्होंने तुरंत इमीडिएट सीटी स्कैन किया जिसमें उनके माइंड में क्लॉटिंग निकला, जो कि एक मेजर इशू था। और यहाँ जो डॉक्टर्स की टीम है उन्होंने 7 से 8 घंटे शायद उसके ऑपरेशन हुए थे। उस ऑपरेशन के बाद जो है क्लॉटिंग निकाला, मुझे दिखाया, हर एक प्रोसेस के बारे में मुझे अपडेट किया। आफ्टर दैट जो है उनको फिर ICU में उनका भी काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट रहा है और रिकवरी बहुत अच्छी हुई, जिस हिसाब से हम लोगों ने उम्मीद किया था उससे बेटर रिकवरी हुई है। और उसके बाद आज उनको मैं यहाँ से डिस्चार्ज कर रहा हूँ कि पैर में हल्का मूवमेंट भी आ गया, जो कि पैरालाइज हो गए थे लेफ्ट पोर्शन, तो उनके पैर में मूवमेंट भी स्टार्ट है। और जैसा डॉक्टर्स ने बताया कि 3 to 4 महीने में अच्छी रिकवरी हो जाएगी। तो ओवरऑल यहाँ का जो टोटल एटमॉस्फेयर है वो एक पेशेंट के लिए और एक अटेंडेंट दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋत्विज बिहारी, एसोसिएट डायरेक्टर न्यूरोलॉजी वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से हूँ। और ये पेशेंट मिसेस विमला सिंह जो हैं, हमारे पास हमारे हॉस्पिटल में आई थी। उनको लेफ्ट साइड वीकनेस थी और ये वीकनेस जो है उनको 6 घंटे पहले शुरू हुई थी। तो ऐसे पेशेंट जैसे आते हैं तो हम लोग इनको तुरंत ही स्ट्रोक प्रोटोकॉल के अंतर्गत सीटी स्कैन कराते हैं। और पाया गया कि इनके सीटी स्कैन में कि इनकी जो ब्रेन की एक मुख्य आर्टरी होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वो ब्लॉक है और जिसकी वजह से उनके दाहिने साइड के ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है। पर यह कुछ सौभाग्यशाली लोगों में से थी जिनमें अभी भी एक चांसेस थे कि ब्रेन का बड़ा हुआ हिस्सा जो बचा हुआ था। अमूनन जो होता है ऐसे मरीजों में, अगर इतनी बड़ी स्ट्रोक होता है तो 4 से 4.5 घंटे के अंदर ही ये आर्टरी की वजह से ब्रेन में परमानेंट डैमेज हो जाता है। परंतु सौभाग्यशाली होने की वजह से इनके ब्रेन में एक बड़ा हिस्सा बचा हुआ था, अतः इनको हम लोगों ने तुरंत ही इंडोवेस्कुलर प्रोसीजर के लिए गया और क्लॉट को रिमूव करके इनके स्ट्रोक का जो प्रभाव था हमने कम कर दिया। जो भी किसी को अचानक से कोई परेशानी हो, जो स्ट्रोक हो सकती है, तो वह तुरंत ही हॉस्पिटल में संपर्क करें ताकि उनका शीघ्र से इलाज करके, जैसे इनका किया गया है, वो करके हम उनको मैक्सिमम बेनिफिट पिला सकें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पेशेंट की सक्सेस स्टोरी के बारे में, जिनका नाम विमला सिंह है एंड उनकी उम्र करीब करीब 80 साल है। ये जो पेशेंट हैं, ये पैरालिटिक अटैक पड़ा था इनको एंड 12 दिसंबर को ये करीब रात में 10:30-11 बजे करीब वेदांता हॉस्पिटल पहुँची थी। वेदांता हॉस्पिटल पहुंचते ही, जैसे ही पेशेंट वेदांता हॉस्पिटल पहुंचा, वहां पे स्ट्रोक का जो कोड होता है हमारा, वो एक्टिवेट हुआ। न्यूरोलॉजी की टीम ने देखा, डॉक्टर रेथवेज ने देखा एंड उसके बाद देखा गया कि मरीज़ का जो सीटी स्कैन है, सीटी एंजियो है, उसमें दिमाग की एक बड़ी नस बंद है और मरीज़ को उसकी वजह से लेफ़्ट साइड की जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर चुकी थी और बोल भी नहीं रही थी मरीज़ को तुरंत कैथ लैब में लिया गया, पाइपलाइन DSA लैब में लिया गया और पतले पतले तारों के माध्यम से हम इस नस तक पहुँचे, जिसे हम अपनी भाषा में राइट MCA बोलते हैं। और देखते ही देखते 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर हमने उस थक्के को बाहर निकाल दिया। इस पूरे प्रोसेस में, यानी कि पेशेंट हॉस्पिटल में आने से लेकर के थक्के को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया थी, उसे पूरे प्रोसेस में करीब करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। एंड नेक्स्ट डे पेशेंट हमारा एक्सट्रुबेट हो गया एंड पेशेंट की वापस से रिकवरी हो गई। जो पर्पस है इस वीडियो का, इस टेस्टिमोनियल का, इस अवेयरनेस कैंपेन का, वो ये है कि आप जानें कि आपके आसपास स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल कौन से हैं और पैरालिटिक अटैक के वक्त, जिसमें आपके हाथ में कमज़ोरी, पैर में कमज़ोरी, जिसको हम फास्ट निमोनिक से जान सकते हैं, F से फेस की ड्रूपिंग होना, फेस, A से हाथ, आर्म या पैर में कमज़ोरी आना, S से स्पीच, बोलने में लड़खड़ाहट आना, ऐसे में समय से, टाइम से सही हॉस्पिटल पहुंचना, स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है। और आपको ये जान के हैरानी भी होगी और खुशी भी मिलेगी, अगर आप सही समय पे स्ट्रोक के केस में सही हॉस्पिटल में पहुंच जाएं तो मरीज़ की जान को बचाया भी जा सकता है और बहुत बार पैरालिसिस को रिवर्स भी किया जा सकता है। धन्यवाद।